हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे ज्ञानप्रिय यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की जो जॉब की अपडेट है ये बिहार सरकार की तरफ से निकल के आई है। बिहार स्टेट सिलेक्शन कमीशन की तरफ से ये रिक्वायरमेंट निकल के आई है दोस्तों। तो इसमें बहुत ही बड़ी वैकेंसी है, लगभग 1500 वैकेंसी निकल के आई है दोस्तों। तो ये जो जॉब की अपडेट है इसके डिटेल तो हम लोग जानेंगे ही इस वीडियो में, और साथ ही साथ आप लोगों अगर एलिजिबल हैं तो जरूर इसको अप्लाई करें दोस्तों, और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, शेयर भी जरूर करें, शेयर करेंगे तो और भी स्टूडेंट को मिलेगा और वो लोग भी इस जॉब का बेनिफिट उठा सकते हैं, उन लोगों को भी इस जॉब का अपडेट मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हुए इसका एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करके देखते हैं। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसे यहाँ पे देख सकते हैं, हेडिंग लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ बिहार। ये हिंदी में दिया गया है, और यहाँ पे आने के बाद ये होम पेज रहेगा, इस तरह से इंटरफेस दिखेगा आप लोगों को। उसके बाद सूचना पट पे क्लिक कीजिएगा, सूचना पट पे क्लिक कीजिएगा तो आप लोगों को तीन रिक्वायरमेंट मिलेंगे, सबसे ऊपर वाले ही 1 2 3 जो एडवर्टाइजमेंट लिखा हुआ है तीनों में। देखिए ये तीनों को डाउनलोड कीजिएगा, तीनों अलग अलग हैं, टोटल मिला के 1500 लगभग वैकेंसी हो जाते हैं। पहला वाला पे क्लिक कीजिएगा तो एक पीडीएफ आएगा, दूसरा वाला पे एक, तीसरा वाला पे एक। पहला वाला पे मैं क्लिक किया तो मेरे को ये निकला। यहाँ से हम लोग देखेंगे क्या क्या इसका डिटेल दिया गया है, हम लोग एक एक करके देखते हैं। तीनों को देखना है एक ही वीडियो में और समझना है, इसीलिए थोड़ा जल्दी में मैं शॉर्ट में बताऊंगा आप लोगों को जो ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। बाकी सबके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि लाइन बाय लाइन तीनों को बताना बहुत ही वीडियो लंबी हो जाएगी, बोरिंग लगेगा आप लोगों को। तो ये देखिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग, यहाँ पे दिया गया है विज्ञापन संख्या वगैरह, डेट भी दे दिया गया है। वेबसाइट की बात करें तो BSSC.BIH.NIC.IN ऑफिशियल लिंक है इसका, और डेट दे दिया गया ऊपर में ही। यहाँ पे देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि जो है 5/11/2019 से लेकर 30/11/2019 तक आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं और पेमेंट भी कर सकते हैं। ऑनलाइन भरने के जो अंतिम तिथि है 5/11/2019 से लेकर 4/12/2019 तक, ये रजिस्ट्रेशन और परीक्षा शुल्क जमा करने का पहला वाला डेट है। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन करने के लिए 5/11 से लेकर 4/12 तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। कुल संख्या वैकेंसी जो आती है पीडीएफ में वो है 9 9 वैकेंसी आ जाती है, जिसमें से अनारक्षित के लिए 3 दिया गया, अनुसूचित जाति के लिए 2 दिया गया है। इसमें अनुसूचित जनजाति के लिए नहीं दिया गया, अनुसूचित जाति के लिए 2 दिया गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 2 है, एक पिछड़ा वर्ग के लिए है, और पिछड़े वर्ग के महिला के लिए इसमें नहीं है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1 दिया गया है। तो ये हो जाते हैं कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया गया, टोटल 9 वैकेंसी हो जाते हैं। दिव्यांगों एवं स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाता नतनी हेतु रिक्त पदों की संख्या 0 है, इसमें कोई भी वैकेंसी नहीं है, इस कैटेगरी सबके लिए वो सबके लिए 0 है, जो यहाँ पे शो कर रहा है वही इसको अप्लाई कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उर्दू विषय में होनी चाहिए, उर्दू विषय के साथ स्नातक, उर्दू विषय में स्नातकोत्तर एवं समकक्ष, ये कंप्लीट होना चाहिए। लेवल 6 दिया गया है दोस्तों। सैलरी की बात करते हैं तो लेवल 6 दिया गया है। लेवल 6 का सैलरी का मतलब हो जाता है लगभग 35,000 से अबव स्टार्टिंग ही आप लोगों का आ जाएगा, और रिटायरमेंट तक में आप लोगों का लगभग 1,12,000 से भी प्लस आ जाएगा। तो इतनी अच्छी खासी सैलरी मिल रही है ये सब पोस्ट के लिए। उम्र सीमा की बात करते हैं, उम्र सीमा क्या दी गई है, दिनांक 1/8/2019 के आधार से अगर आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा तो निर्धारित की जाती है, आधार पर निर्धारित की जाएगी। परंतु वैसे विद्यार्थी जो दिनांक 1/8/2015 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हो, वे भी उम्र सीमा के आधार पर इस परीक्षा में प्राप्त होंगे। तो ये जो डेट दिया गया है इस डेट के आधार से कैलकुलेट करना होगा क्या क्या और क्या क्या दिया गया है, उसका यहाँ पे नीचे में पूरा बन के आ जाता है। देखिए न्यूनतम जो होती है वो 21 वर्ष होनी चाहिए, और अधिकतम जो दी गई है देखिए अनारक्षित के लिए 37 दिया है, 40 दिया गया है महिला अनारक्षित के लिए। उसके बाद पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला पुरुष के लिए 40 रखा गया है, अनुसूचित जाति जनजाति महिला पुरुष दोनों के लिए ही 42 दिया गया है, ये मैक्सिमम एज हो जाता है। तो यही इसका एक पीडीएफ है, ये पहला वाला है आप लोगों को अप्लाई करने के लिए, तो इसी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। अब हम लोग दूसरा वेब पे चलते हैं, दूसरा पीडीएफ हम लोग का ये रहेगा, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो एक दूसरा वाला डाउनलोड होके आता है जो मैं पहले से निकाल के रखा हूँ। ये दूसरा वाला में भी इसी तरह से दिया गया है, डेट देखिए 5/11 से लेकर 30/11 तक ये रजिस्ट्रेशन और पेमेंट के लिए, 5/11 से लेकर फिर 4/12 तक अप्लाई करने के लिए।
इसमें जो वैकेंसी आ जाती है 202 वैकेंसी आती है, इसमें और ज्यादा वैकेंसी निकल के आई है, 202 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज यहाँ भी डिवाइड कर दिया गया है, देख सकते हैं। उसके बाद नीचे चलते हैं और नीचे में क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन मांगी गई है। देखिए, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उर्दू विषय में आप लोगों का स्नातक और समकक्ष होना चाहिए कंप्लीट, तब आप इसको भर सकते हैं। और सैलरी की बात करें तो इसमें भी लेवल 6 रखा गया है, देखिए। और एज की बात करें तो एज भी सेम ही रखा गया है, तो इसलिए मैं एक एक पढ़ के फिर से नहीं बता रहा हूँ, सब कुछ सेम ही दिया गया है। और अप्लाई करने के लिए भी आप लोगों का वही लिंक रहेगा जो यहाँ पे दिया गया है, देखिए bssc.bih.nic.in दिया गया है। अब हम लोग तीसरा पे चलते हैं, ये तीसरा वाला जो दिया गया है इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये वाला डाउनलोड होकर आप लोगों को आ जाएगा। इसमें क्या दिया गया है, इसमें भी सेम डेट दिया गया है, देख सकते हैं। इसमें भी सेम ही डेट दिया गया रजिस्ट्रेशन करने और पेमेंट करने का, अप्लाई करने के लिए। लेकिन इसमें देखिए रिक्वायरमेंट कितनी ज्यादा है, वैकेंसी कितनी ज्यादा है, 1294 वैकेंसी है दोस्तों। इसमें 1294 वैकेंसी है, इसमें भी कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया गया है। और ये सबके क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें क्वालिफिकेशन थोड़ा यहाँ पे अलग है। क्या है, मान्यता प्राप्त बोध बोर्ड या विश्वविद्यालय से उर्दू विषय में कम से कम 100 अंकों के साथ इंटरमीडिएट कम प्लस टू होना चाहिए या तो समकक्ष होना चाहिए। तो इसमें क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट तक का दिया गया है। और वेतन की बात करें तो लेवल 5 रखा गया है इसमें। लेवल 5 का मतलब हो जाता है आप लोगों का लगभग 30,000 स्टार्टिंग आ जाएगा, उसके बाद रिटायरमेंट तक में आप लोगों का 90+ हो जाता है दोस्तों। तो इतनी अच्छी खासी सैलरी के साथ आप लोगों की ये जॉब रिक्वायरमेंट निकल के आई है इस पीडीएफ का। और इसके न्यूनतम जो दिए है 18 वर्ष दिए है, और मैक्सिमम अलग अलग दिया गया है 37, 40, 40, 42। ये एज में पहले वाला पीडीएफ से थोड़ा सा अलग है और बाकी सब कुछ सेम ही दिया गया है। जितने क्वालिफिकेशन तो अलग हैं और एज लिमिट अलग है और सैलरी अलग है। वैकेंसी बहुत ज़्यादा इसमें निकल के आती है, तो आप लोग अगर क्वालिफाइड हैं इस जॉब के लिए तो ज़रूर इसको अप्लाई करें दोस्तों। और इसी तरह से नोटिफिकेशन डेली पाने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और सबसे इम्पोर्टेंट जो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और साथ ही साथ बेल घंटी को भी दबा लें।